स्पोर्ट्स जगत में आज की टॉप 10 खबरों के साथ हम हाजिर हैं। तो चलिए हम आज की स्पोर्ट्स खबरों पर नजर डालते हैं। पहली खबर, टीम इंडिया के पूर्व विकेट कीपर बैटर दिनेश कार्तिक ने जसप्रीत बुमराह को इंडियन क्रिकेट टीम का असली कोहिनूर बताया। दिनेश कार्तिक ने बुमराह की जमकर तारीफ करते हुए हेड कोच गौतम गंभीर से अपने इस हीरे को संभाल कर रखने की अपील कर दी है। आईपीएल मेगा ऑक्शन से पहले बड़ी खबर मिल रही है, जहां सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस का साथ छोड़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सूर्य का मुंबई से रिलीज होना तय है और रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि सूर्य कुमार यादव को केकेआर की टीम ने कप्तानी का ऑफर दिया है। अगली खबर, आईपीएल 2025 के लिए पूर्व इंडियन स्टार क्रिकेटर युवराज सिंह कोचिंग रोल में नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो युवराज सिंह के लिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने कोचिंग रोल के तौर पर काम करने के लिए कांटेक्ट किया है। इंग्लैंड ने श्रीलंका को मैनचेस्टर में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 5 विकेट से हरा दिया। इस टेस्ट मैच में जीत के साथ इंग्लैंड सीरीज ने 1-0 के आगे हो गई है और उन्होंने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बड़ा जंप लगाते हुए 4th स्थान को हासिल कर लिया है। अगली खबर, गुजरात टाइटंस के स्टार बल्लेबाज अभिनव मनोहर ने कर्नाटक में खेली जा रही महाराजा टी20 लीग में दम दिखाया है। अभिनव ने जबरदस्त इनिंग खेलते हुए सिर्फ 27 बॉल में 70 रन बना डाले हैं। उन्होंने अपनी इस खतरनाक पारी में 9 छक्के भी लगाए। इंडिया का पूर्व पैरालंपिक मेडलिस्ट देवेंद्र आर झांझड़िया ने नीरज चोपड़ा को बड़े दावा किया है। देवेंद्र का मानना है कि इंडिया के जेवलिन स्टार नीरज चोपड़ा अगले 1-2 साल के रिकॉर्ड 982 से 93 मीटर पर भाला फेंक कर इतिहास रचेंगे। अगली खबर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जबरदस्त तकरार देखने को मिली है। बांग्लादेश के अगेंस्ट खेले जा रहे टेस्ट मैच के 3rd दिन पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद और हेड कोच जेसन गिलेस्पी की जबरदस्त बहस हुई। रिपोर्ट्स की माने तो ये बहस बाबर आजम की वजह से शुरू हुई। पाकिस्तान को अपने घर में बांग्लादेश के हाथों से पहले टेस्ट मैच में 10 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा। रावलपिंडी में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट मैच के 5वें दिन ही बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 10 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रांज मेडल जीतकर देश को सौगात देने वाली स्टार शूटर मनु भाकर पेरिस ओलंपिक के बाद पहली बार अपने घर झंझर पहुंची। झंझर में मनु भाकर का वहां के जिला प्रशासन ने जोरदार स्वागत किया है। मनु ने यहां पर कई सवालों के जवाब भी दिए। आखिरी खबर, बांग्लादेश की रावलपिंडी में पाकिस्तान पर मिली 10 विकेट की ऐतिहासिक जीत में सबसे बड़ा नायक रहे बांग्लादेश के विकेट कीपर बैटर मुशफिकुर रहीम ने बड़ा कदम उठाया है। मुशफिकुर रहीम ने प्लेयर ऑफ द मैच के रूप में मिली प्राइज मनी को बांग्लादेश बाढ़ पीड़ितों को डोनेट करने का ऐलान किया है। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।